नमस्कार दोस्तों, आइए बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो आपका एग्जाम होने वाला है 23 अगस्त से और 31 अगस्त के बीच। उसी के लिए आपके हिंदी सब्जेक्ट के जो समास है उसका वीडियो है फ्रेंड्स। ये आपने जो भी वीडियो हमने बनाया था उसे देखा, आपने बहुत ही सराहा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे समास के बारे में। देखते हैं कि समास किसे कहते हैं, साथ समास की परिभाषा क्या है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे कार कुशल शब्द कार और कुशल दो शब्दों के योग से बना है, इसका अर्थ है कार्य में कुशल। समास शब्द भली प्रकार सम उपसर्ग लगाकर अस फेंकना धातु से बना है और इसका प्राय वही अर्थ है जो संक्षेप शब्द का होता है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उनके आकार में कुछ कमी हो जाए तथा अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का समुद्र। इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले संबंध कारक के का प्रत्यय का लोप होने से ज्ञान सागर एक स्वतंत्र शब्द बना है। आइए बात करेंगे फ्रेंड्स समास की विशेषताओं के बारे में। समास में कम से कम दो शब्दों या पदों का योग होता है। ऐसे मेल वाले दो अथवा अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं। मिलने वाले पदों की विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है। संस्कृत तत्सम होने पर संधि की स्थिति आने पर उनमें संधि भी हो सकती है। समास प्रायः सजातीय शब्दों का ही होता है। जैसे धर्मशाला तो ठीक है लेकिन यदि कहीं मजहबशाला हो तो गलत होगा। इसी प्रकार इसके कई अपवाद भी देखने को मिलते हैं। आइए बात करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि संधि और समास में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए देखते हैं संधि और समास में क्या अंतर है। संधि में दो वर्णों का योग होता है जैसा कि फ्रेंड आप लोग जानते हैं, किंतु समास में दो पदों का योग होता है। संधि में दो वर्णों का योग होता है जबकि समास में दो पदों का योग होता है, अर्थात जब दो वर्ण मिलकर एक प्रकार का विकार उत्पन्न करते हैं, एक प्रकार से पास पास आते हैं तो उनमें एक प्रकार की संधि होती है, तो वर्णों के मेल से संधि होती है और जब आपके पद मिलेंगे तो उसमें आपका समास बिगड़ा होगा। संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की समान रहती है। दूसरी ओर समास में पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। नेक्स्ट का जो कारण है देखेंगे। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है किंतु समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। आप जानते होंगे संधि विच्छेद करना और समास विग्रह करना दो अलग अलग चीजें हैं। आइए बात करेंगे फ्रेंड्स समास के कितने भेद हैं, अर्थात समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं तथा 15 उपभेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला आपका है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा आपका है बहुव्रीहि समास। आइए बात करेंगे समास के भेद के बारे में। तत्पुरुष के अंतर्गत दो प्रसिद्ध समास और भी हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास। इसलिए कभी कभी समास के छह भेद भी पाए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड अगर आपके पेपर में आए कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो आपका विकल्प चार की तरफ जाना चाहिए। आइए बात करेंगे एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की तरह व्यवहित होता है, अर्थात अव्यय की तरह ही व्यवहार करता है। जैसे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में आपका समास विग्रह होगा अच्छ के प्रति। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भरपेट, पेट भर। यथार्थ, अर्थ के अनुसार और प्रत्येक में एक एक के प्रति। इसी क्रम में बात करेंगे फ्रेंड्स तत्पुरुष समास के बारे में। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान होता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता होती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इनका समास विग्रह किया जाता है। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला अर्थात स्वर्ग को प्राप्त। आइए बात करेंगे फ्रेंड्स इसी समास के नेक्स्ट कड़ी में द्वंद्व समास। देखेंगे इसकी परिभाषा के बारे में कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाएगा। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। जैसे राम लक्ष्मण, तो इसका विग्रह होगा राम और लक्ष्मण। इसी प्रकार से लव कुश है तो इसमें इसका भी विग्रह होगा लव और कुश। माता पिता में समास विग्रह होगा माता और पिता, भला बुरा में होगा भला या बुरा। तो फ्रेंड्स आपको एक जो बताते चले, इसी में आपका और कभी वर्ड आएगा और या कभी वर्ड आएगा। तो फ्रेंड आप ध्यान दीजिएगा द्वंद्व समास में जो एग्जाम्पल में आपको हमने बताया है भला बुरा, तो इसमें भला और बुरा ना करके भला या बुरा करके आया है,
तो फ्रेंड्स ये द्वंद्व समास का ही एग्जाम्पल होगा। आइए बात करेंगे इसी श्रेणी में बहुव्रीहि समास के बारे में। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर। इसके दो पद हैं पीत प्लस अम्बर, पहला विशेषण और दूसरा संज्ञा, अतः इसे कर्मधारय समास होना चाहिए था, परंतु बहुव्रीहि में पीताम्बर का विशेष अर्थ पीत वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण से लिया जाएगा। जैसे देखेंगे फ्रेंड एग्जाम्पल इसका क्या है, दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, चतुर्भुज अर्थात चार भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। लंबोदर में बात करेंगे, बहुव्रीहि समास है उसका विग्रह देखेंगे, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। फ्रेंड्स आपको बताते चलें कि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जितने भी देवी देवता हैं अक्सर उनका एग्जाम्पल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स इसको कंठस्थ कर लीजिएगा आप। तो फ्रेंड्स ये था समास, समास विग्रह और उनकी परिभाषा, उनके अर्थ के बारे में, उसमें क्या अंतर था। आइए फ्रेंड्स इसी आधार पर हम आपको प्रतिशत हल करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। पहला विकल्प आपका दिया गया 3, 4, 5 या 6। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा 4, अर्थात समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, समास के कितने उपभेद होते हैं, अर्थात समास के कितने उपभेद हैं, समास के भेद होंगे 4 और समास के कितने उपभेद होंगे, अगर इसकी बात करते हैं। विकल्प आपका दिया गया है 10, 12, 15 और 6। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स 15, जैसा कि हमने इसकी परिभाषा में ही आपको बता दिया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यथाशीघ्र में कौन सा समास है। आपका विकल्प दिया गया बेभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास या द्वंद्व समास। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स अव्ययीभाव समास, क्योंकि यथाशीघ्र में कौन समास है आपका, तो यथाशीघ्र में आपको होगा अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट इसी क्रम में बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, पाकिट मार में कौन सा समास है। विकल्प आपका दिया गया तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विग समास। फ्रेंड्स आप विकल्प से भी देख सकते हैं समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए विकल्प में सारे आपको 4 प्रकार से ही दिए गए हैं क्वेश्चन में विकल्प बनाकर। तो आपका है पाकिट मार में कौन सा समास है, तो हमारा जो चौथा विकल्प है आपका होगा चौथे क्वेश्चन में फ्रेंड, पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, सॉरी इसमें आपका होगा तत्पुरुष समास। तो आपका फ्रेंड क्वेश्चन है कि पाकिट मार में कौन सा समास है, तो पाकिट मार में आपका होगा फ्रेंड तत्पुरुष समास। आइए नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें नंबर के क्वेश्चन में, हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में समास के। सर्वोत्तम में कौन सा समास है, तो बात करेंगे सर्वोत्तम में तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव है, कि द्विग समास है, कि बहुव्रीहि समास है। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा तत्पुरुष समास, तो इसका भी जो विकल्प होगा आप फ्रेंड्स पहले की तरफ जाएगा, अर्थात आपका आंसर होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट बात करेंगे सीताराम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, कि बहुव्रीहि है, कि द्विग है, कि द्वंद्व है। तो आपका फ्रेंड्स आंसर होगा द्वंद्व समास, सीताराम में समास आपका होगा द्वंद्व समास, इसमें और या का अर्थ निकल के आता है, था सीता और राम। नेक्स्ट बात करेंगे पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में आपका बेभाव है, कि कर्मधारय है, कि बहुव्रीहि है, कि द्वंद्व है। तो फ्रेंड्स आप भी इसको गेस कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो हमारा सातवां जो क्वेश्चन है उस क्रम का आपका विकल्प होगा बहुव्रीहि समास, अर्थात पीताम्बर में आपका होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट इसी श्रेणी में बात करेंगे पाप और पुण्य में क्या समास है, पाप और पुण्य में क्या समास है। फ्रेंड्स ये आपका आठवें क्रम का क्वेश्चन है, हमने 10 इस सेट में 10 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए। तो पाप और पुण्य में क्या समास है, तो आपका आठवां होगा द्वंद्व समास। अब विभाव समास विकल्प में दिया है, बहुव्रीहि दिया है, कर्मधारय दिया है और द्वंद्व दिया है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स द्वंद्व समास। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे खगेश, खगेश में प्रयुक्त समास बताइए, अर्थात खगेश में कौन सा समास है, आपको समास का नाम बताना है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। फ्रेंड देखिए आपका एक विकल्प इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व और द्विग, लेकिन आपका एक आंसर आपका एक विकल्प और बढ़ गया, इसमें आ गया कर्मधारय। तो आपका नवा क्रम का जो क्वेश्चन है कि खगेश में प्रयुक्त समास बताइए, तो आपके विकल्प दिए गए हैं बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट क्रमांक के क्वेश्चन पर, प्रैक्टिस सेट का फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो है पीत सागर में कौन सा समास है, एक बार फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं फ्रेंड्स, पीत सागर में कौन सा समास है। तो पीत सागर में आपका विकल्प दिया गया 4,
वही जैसा कि आप विकल्प देखते हुए आ रहे हैं अभी तक, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो फ्रेंड्स आपका इसमें जो आंसर होगा आपका होगा तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स ये था हमारा समास का कंप्लीट वीडियो। वीडियो फ्रेंड्स आप देखिए और कमेंट बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 10 में से, और ये भी बताइए कि हमसे गलती क्या हुई। अगर इसमें कोई गलती होती है तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आगे की वीडियो में अगर इस प्रकार कोई गलती मुझे मिलती है तो उसे हम आगे की वीडियो में सही करेंगे, उसमें कुछ सुधार करेंगे। लेकिन आप कमेंट जरूर बताइएगा कि इसमें क्या गलती है और परीक्षा के दृष्टि से कितना उपयोगी है और कितना आपके आपने गेस किया, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये बताइएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी विद राज सक्सेना।